शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। किसी की भी हमारी आंख में आंख डालकर देखने की हिम्मत नहीं हुई। आज तक किसी ने हमारे खानदान की आबरू पर हाथ नहीं डाला। आज तक किसी ने हमारी हुकूमत को ललकारने की जुर्रत नहीं की। आज तक ऐसा नहीं हुआ। जो कभी नहीं हुआ वो चलो आज हो गया। खामोश और नजरें झुका के बात कर। शायद तू भूल गया कि हम लोग कौन हैं। आप सिर्फ उस लड़की के ताऊ हो जिसे मैं प्यार करता हूँ। अच्छा हुआ आप लोग यहाँ आ गए। वैसे भी लड़की वाले ही रिश्ता लेकर आते हैं। तू रिश्ता जोड़ेगा हमारे खानदान से? तू हमारे दरमियान के इस फासले को मिटाने के ख्वाब देख रहा है? तू प्यार हर फासले को मिटा देता है। कभी नहीं हो सकता। सारी उम्र कोशिश करता रहे तो भी ये फासला दूर नहीं हो सकता। हम तुम दोनों को एक नहीं होने देंगे। देवा मैं नहीं चाहता कि हमारे बीच कोई खून खराबा हो। रमा और मैं एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और हमें एक होने से कोई रोक नहीं सकता। मैं मेरी अमानत आपको सौंप रहा हूं। आप रमा को लेने आए हैं, ले जाइए। मैं उसे लेने आऊंगा बारात लेकर। अभागन जिसके श्राप का पहला कहर आज तुम पर टूटा है, जिसके आंसुओं की पहली बूंद तेजाब बनकर आज तुम पर बरसी है। मेरे कलेजे से निकली हुई हाय तुम सबको बर्बाद करके छोड़ेगी। तेरे तमाचे में वो दम नहीं रहा रणवीर। देख क्या रहे हो, जोर लगा के पेड़ हटाओ। जोर लगाकर तो तुम यहाँ से चले ही जाओगे, मगर उस तूफान का मुकाबला कैसे करोगे जो तुम्हारे महल के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है? चलो। अरे जाओ जाओ राजा साहब, तुम हार जाओगे, हार जाओगे। हुजूर 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 हुजूर। लाला क्या हो गया? लाला क्या हो गया? किसी पागल कुत्ते ने काटा है क्या? हुजूर जो मैंने देखा वो आपने देखा होता ना तो आपको भी ऐसा ही लगता। क्या बकता है तू, होश में तो है? हुजूर कल रात मैंने एक सपना देखा। ऐसा सपना है भगवान, मैं तो क्या इस हिंदुस्तान के 80 करोड़ लोगों ने भी नहीं देखा होगा। क्या हुजूर? पूरी हवेली सजी हुई है जैसे जन्नत हुजूर के कदमों में उतर आई है। लाखों मेहमान देश के विदेश के, चारों तरफ हुजूर के नाम का जय जयकार हो रहा है। हुजूर 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 हुजूर। अबे हुजूर हुजूर ही करता रहेगा, ये आगे भी बढ़ेगा। मैंने सपने में देखा कि आप रमा बिटिया की शादी में राजा हरिश्चंद्र की तरह सब कुछ गवा कर कंगाल हो गए हो और हाथ में भीख मंगे का कटोरा लेकर
दारोदार भीख मांग रहे हो। अरे क्या बकते हो लाला, रमा की शादी होगी और ऐसी होगी कि हिंदुस्तान के 80 करोड़ क्या दुनिया देखेगी, सपने में नहीं हकीकत में। हुजूर, मैंने सपने में देखा कि घोड़े पर सवार दूल्हे ने जब अपना सेहरा हटाया तो वो रुपेश नहीं हरामजादा अजय था। लाला, ऐसा सपना देखने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? हुजूर, लगता है जबान फिर से स्लिप हो गई। आइंदा से तेरी ये जबान स्लिप हुई तो मैं तेरी जबान ही कटवा दूंगा। ठीक है, चलो लाला। राजा साहब, मेरी गलती की इतनी बड़ी सजा मुझे क्यों दे रहे हो? हवेली के कुत्ते मुझ पर छोड़िए, अपने जूते से मुझे मारिए, लेकिन इन पहलवानों से क्यों तुड़वा रहे हो? मैंने जिंदगी भर आपकी सेवा की है, मुझे माफ कर दीजिए राजा साहब। अबे चल वापस। खामोश, हम तुम्हें यहाँ पिटवाने नहीं, किसी और मकसद से लाए हैं। अंदर जाकर तिवारी से कहो कि हम मुझसे मिलना चाहते हैं। अभी कहता हूँ, दरवाजा खोल। तिवारी कहाँ है? तिवारी कहाँ है? तिवारी कहाँ है? अबे तिवारी कहाँ है रे? अमाऊ है तिवारी, कहो क्या बात है? नहीं, वो राजा बिजराज सिंह आपको मिलने आए हैं। क्या राजा साहब यहाँ आए हैं? हाँ यहाँ आए। नमस्कार राजा साहब, आज आपने इस गुलाम को कैसे याद किया? तिवारी, एक जरूरी काम आन पड़ा है, इसलिए हम तुम्हारे पास आए हैं। किसी हरामजादे ने हमारी इज्जत को ललकारा है और हम चाहते हैं कि... आप क्या चाहते हैं राजा साहब, हम अच्छी तरह से समझ गया हूं। उसका तो हम वो हल करूंगा कि आज के बाद वो अपने आप को अपनी दो टांगों पर नहीं, अस्पताल की चार पाई पर पाएगा। आप नाम बताइए। अजय। शादी का मुहूर्त बहन जी 12 तारीख का निकला है, आप लोगों के पास सिर्फ 10 दिन रह गए तैयारी करने के लिए। बाबूजी आप फिक्र मत कीजिए, अगर मुहूर्त कल का भी होता ना तभी हम तैयार होते। आप बस बारात ले आइए। शाबाश बेटे। अच्छा बेटे, अच्छा बहन जी आगे दीजिए। नमस्ते। लेकिन अजय बेटे, ये सब कुछ इतनी जल्दी कैसे हो सकता है? जेवर, दुल्हन का जोड़ा, ये सब खरीदना बाकी है, फिर तुम्हारी लाडली बहन को पसंद भी तो आना चाहिए। माँ तुम किसी भी बात की चिंता मत करो, ये सब एक ही दिन में हो जाएगा। भैया, लेकिन मेरे लिए शादी का जोड़ा कोई और ही पसंद करेगा। कौन? हेलो, हाय अंजलि, मुबारक हो, तुम्हारे लिए इस घर के दरवाजे 12 तारीख को खुल रहे हैं। ओ, यानी तुम्हारी शादी की तारीख तय हो चुकी है। और इस ननन का ये अरमान है कि सुहागा जोड़ा मेरी होने वाली भाभी पसंद करेगी। That's great! कह दो अपने भैया से कि हम आ रहे हैं, देखना हम तुम्हारे लिए कैसा दुल्हन का जोड़ा पसंद करते हैं। ओके बाय। कहाँ जा रही हो? हर चीज आपको बताने की जरूरत नहीं। रमा! 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 ए, हट! भाई साहब, आप जानते हैं कि ये कहाँ जा रही है और फिर भी आप चुप हैं? जाने दो इसे, जरा ये भी देखे कि इसके सपनों का महल इसकी आंखों के सामने कैसे टूट कर बिखरता है।